क्या हो गया? SME का मतलब समझते हो? स्पाइनल मस्कुलर, अरे सब समझते हो? हाँ देखो कितना अच्छा है वो, सब कुछ तो सही है। हाँ पूरे अच्छे से सही हो। हंसते कितने अच्छे हो, हाँ बड़े हो जाओगे ना तो तुमको पढ़ाएंगे हम, अब तब पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत पिटाई करेंगे। पिटाई के नाम पे कोई हंसता है क्या? सही हो जाओगे तुमको, हाँ देखो तो सब लोग तुम्हारे लिए कितना करते हैं लोग। हाँ सब पता है तुमको। वीडियो में दिखने वाले शख्स को आप सभी जानते होंगे, इनका नाम है खान सर। खान सर के गोद में एक मासूम बच्चा भी दिख रहा होगा, बच्चे का नाम है अयाज। इस बच्चे को भी अब आप सभी लोग जानने लगे होंगे, कारण बच्चे को SMA टाइप 1 नामक एक दुर्लभ बीमारी है। इलाज के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। जाहिर सी बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी बच्चे का इलाज 16 करोड़ रुपए लगाकर करा पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में उनके परिवार के साथ समाज के कुछ लोग आगे आते हैं और फिर शुरू होता है अयाज के जीवन को बचाने का एक मुहिम। क्राउड फंडिंग होने लगता है, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के द्वारा अपने अपने तरीके से अयाज को बचाने में योगदान देने लगते हैं। लेकिन अचानक से जब 20 दिन हो चुके हैं, जब 7 से 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, तब अयाज को आने वाले मदद में गिरावट आने लगती है। कारण दरअसल कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से लगातार अयाज के पिता एवं उनके चाचा के बारे में खबरें चलाई जाने लगी, खबरें जिसमें अयाज के पिता एवं उनके चाचा को फ्रॉड बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अयाज के पिता या उनके चाचा के बारे में खबर चलाने का यह सही वक्त था। अगर अयाज के पिता सही या गलत जो भी हो, हालांकि इस वीडियो में इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अगर अयाज के पिता या उनके चाचा गलत हुए, तो अयाज के लौट आने के बाद जब अयाज का इलाज पूरा हो जाएगा, जब अयाज पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाएगा, उसके बाद प्रयास न्यूज के द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी जिसमें अयाज के पिता के खिलाफ जो भी आरोप है उसके जांच की मांग की जाएगी। अगर वो दोषी रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। लेकिन तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस मासूम को बचाने में अपना योगदान दें। साथ में इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दें और उन न्यूज चैनलों के एंकर तथा एडिटर तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाएं जिन्होंने अयाज के जीवन को बचाने के मुहिम को कमजोर किया है। एंकर साहब और एडिटर साहब, अयाज पूरी तरह से तो ठीक जरूर होगा, उसे तो जरूर ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अयाज के ठीक होने के बाद जब अयाज की कहानी लिखी जाएगी, उसमें आप लोगों का नाम जरूर अंकित किया जाएगा, वो भी एक विलन के रूप में। विलन इसलिए क्योंकि जब अयाज को बचाने के लिए 60% रुपए आ गए हैं, मात्र 40% रुपए की जरूरत है, ऐसे में आपके चंद व्यू और सब्सक्राइबर की लोभ ने अयाज के इस मुहिम को कमजोर कर दिया है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से मेरा निवेदन होगा कि वैसे चैनलों तक जाएं, उनके इस तरह के वीडियोस को डिसलाइक करके उनको सबक सिखाने का काम करें। अब आते हैं शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा है उस पे। अयाज के माता पिता अब मदद की गुहार लेके खान सर के पास पहुंचे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, खान सर बड़े प्यार से अयाज के साथ खेल रहे हैं। खान सर ने अयाज के मम्मी पापा से, उनके माता पिता से ये वादा किया है कि जो भी संभव हो पाएगा उनके द्वारा जरूर मदद किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जब खान सर जैसे सुप्रसिद्ध शिक्षक के पास अयाज पहुंच चुका है, तो कब तक अयाज को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग जाएगा, कब तक अयाज पूरी तरह से ठीक होके अपने घर आ जाएगा, कब तक अयाज अपने घर आंगन में स्वस्थ होके खेलने लगेगा। यकीन मानिए, जब अयाज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो बिहार के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा, वो उदाहरण जिसे देख के अगर भविष्य में कोई बच्चा 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के लिए जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होगा, तो मेरे और आपके जैसे लोग बचाने के लिए उसे आगे आएंगे। इसलिए अभी जरूरत है अयाज को बचाने का, अभी जरूरत है बिहार के लिए इस तरह के एग्जाम्पल को सेट करने का। इसलिए जाते जाते आप सभी से मेरा फिर से निवेदन होगा कि अयाज को बचाने के लिए जितना भी संभव है आप सभी लोग एक बार फिर से मदद करिए
और जल्द से जल्द 16 करोड़ रुपए के आंकड़ा जो रखा गया है 16 करोड़ का, उसे पूरा करने में मदद करें। जाते जाते खान सर और आयांश का वो प्यारा वीडियो छोड़ जाते हैं, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। साथ में अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह से आयांश को मदद पहुंच सके। साथ में यही वीडियो नहीं, अगर आयांश के बारे में जो भी आपको वीडियो मिले उन सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। क्या हो गया? SME का मतलब समझते हो? स्पाइनल मस्कुलर, अरे सब समझते हो? हाँ देखो कितना अच्छा है वो, सब कुछ तो सही है। हाँ पूरे अच्छे से सही हो जाएगा। हंसते कितने अच्छे हो, हाँ बड़े हो जाओगे ना तो तुमको पढ़ाएंगे हम, अब तब पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत पिटाई करेंगे। पिटाई के नाम पे कोई हंसता है क्या? सही हो जाओगे तुमको, हाँ देखो तो सब लोग तुम्हारे लिए कितना करते हैं लोग, हाँ सब पता है तुमको।